बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, टेक्निकल रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आप यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री को कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं अपने चैनल से। या तो आप फुली कंप्लीट डिलीट कर सकते हैं, या आप उसको डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए आपने अगर किसी की हिस्ट्री को डिलीट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि उनको मेरे हर आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने आईडी पे क्लिक करना है। जिस आईडी के आपको वॉच हिस्ट्री को क्लियर करना है, आप उस आईडी को लॉगिन करके आप उसके अंदर जाएंगे। तो ये मैंने अपना आईडी ओपन किया हुआ है, इसमें मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे आएंगे तो आपको ये नज़र आएगा टाइम वॉच्ड। आपने यहाँ पर टाइम वॉच्ड पर क्लिक करना है। टाइम वॉच पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी डिटेल्स आ जाएगी कि आपने कौन कौन से दिन में आपने को यूट्यूब की वीडियोस को देखा है। तो मैंने सिर्फ वेडनेसडे में इसको वीडियोस को देखा है, तो मैं अभी सिर्फ वेडनेसडे की डेट को क्लियर करूंगा। उसके बाद आपने क्या करना है, वॉच हिस्ट्री पे क्लिक करना है। ये आप देखें ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है वॉच हिस्ट्री, तो आपने इस वॉच हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करना है। तो ये चार पाँच वीडियोस हैं जो मैंने देखी हैं, ठीक है। तो अभी आपको मैं दो तरीके से बताऊँगा आपने कैसे इसको क्लियर करना है। यहाँ पर आप इस थ्री लाइंस, ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं थ्री लाइन के, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। आपके पास कुछ ये दो तीन ऑप्शंस आएंगे, तो यहाँ पे आप देखें क्लियर ऑल वॉच हिस्ट्री या मैनेज ऑल हिस्ट्री। क्लियर ऑल वॉच हिस्ट्री में ये है कि ये जो भी आपने आज तक की जो वीडियोस देखी हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक डेट की वॉच हिस्ट्री को क्लियर करना है तो आप क्या करेंगे, मैनेज ऑल हिस्ट्री पर जाएंगे, तो ये सारी जो वीडियोस हैं एड्स वगैरह जो भी हैं वो आ जाएंगे। तो आपने ये देखना है, ये डिलीट का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, देखें सेविंग योर यूट्यूब हिस्ट्री। आप नीचे आएंगे तो ये जो सर्च बार का नज़र आ रहा है बटन यहाँ पे डिलीट पे, तो आप इस डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके ऊपर तीन ऑप्शन होंगे, या आपको आज की वॉच हिस्ट्री को डिलीट करना है, या आपको अपने डिफरेंट कस्टम यानी डिफरेंट स्पेसिफिक डेट को की वॉच हिस्ट्री को क्लिक करना है, या डिलीट ऑल टाइम। तो अभी मैं आपको बताऊँगा डिलीट कस्टम रेंज, यानी डिलीट कस्टम रेंज पर आप जाएंगे तो आपने यहाँ पे वो उस डेट को डालना है जिस डेट की जो वॉच हिस्ट्री को आपने क्लियर करना है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने 13 फरवरी 2024 से लेके 15 फरवरी 2024 लिखूंगा और यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट करूँगा, लेकिन इस डेट पे मैंने कोई वॉच वीडियो वॉच नहीं की। तो आपने स्पेसिफिक डेट करने के लिए आपने यहाँ पर आना है, ठीक है। तो अगर आपको फुल वॉच हिस्ट्री को क्लियर करना है तो यहाँ पे दोबारा डिलीट जाएंगे, तो यहाँ पे डिलीट ऑल टाइम करेंगे। एक तरीके से ये है कि आप इस तरीके यहाँ पर आके भी आप वॉच हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिंपल तरीका, जो इजी तरीका है वो आपको मैं बताता हूँ। आप इस डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, क्लियर ऑल वॉच हिस्ट्री, यानी आपको ये नज़र आ रहा है क्लियर ऑल वॉच हिस्ट्री। जब क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, क्लियर वॉच हिस्ट्री को प्रेस करना है। तो आप ये जब प्रेस करेंगे तो आपकी जो आज की हिस्ट्री, आज तक की जो भी हिस्ट्री है वो सारी क्लियर हो जाएगी। तो ये सबसे ईजी तरीका है। तो आज ऐसे ही आप अपने यूट्यूब की वॉच हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो फ्रेंड्स, ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और को समझ आ गई होगी। तो चल दोबारा मिलते हैं आप दोबारा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।